नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। एक युवती को मिस्ड कॉल के जरिए प्यार करना काफी महंगा पड़ गया। युवक ने बच्चा होने पर युवती का दामन छोड़ दिया। मामला है अब से 3 साल पहले का, जब दिल्ली निवासी एक युवती के गजरौला थाना क्षेत्र के गांव निवासी लड़के के फोन पर मिस्ड कॉल आई थी। उसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। बातचीत चलते युवक ने स्वयं को युवती के ही धर्म का बताकर उससे शादी कर ली। बच्चा होने पर युवक ने युवती को छोड़ दिया और दूसरी लड़की के साथ शादी कर ली। विवाहिता थाने पहुंची। विवाहिता द्वारा दिए गए बयानों का वीडियो भी वायरल हुआ है। हालांकि पुलिस ऐसी किसी भी घटना के होने से अनभिज्ञता जता रही है। गजरौला क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक का मिस्ड कॉल पर दिल्ली की युवती से प्यार हुआ था। दोनों एक दूसरे से फोन पर बात करने लगे। आरोप है कि युवक ने अपना दूसरा धर्म बताकर युवती से शादी कर ली। एक बच्चा होने के बाद विवाहिता को युवक ने छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। विवाहिता थाने पहुंची और अपने साथ घटी सारी घटना की जानकारी दी। विवाहिता द्वारा दिए गए बयानों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। प्रभारी निरीक्षक जयवीर सिंह ने बताया कि उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है। प्राइम न्यूज 24 के लिए गजरौला से प्रदीप प्रजापति की रिपोर्ट। मैं दिल्ली रहती थी। अब बताएं क्या मामला है आपका शादी का? क्या शादी का मामला क्या है? वो लड़का वो मोमडन था। मुझे उसने कॉल करा, उसने अपना नाम बताया मुझे समीर। फिर क्या वो फिर मुझे क्या बोलते हैं वो हिंदू रिवाज में करने लगा मेरे साथ। फिर मेरे साथ शादी करी उसने। बोलता था कि क्या बोलते हैं मैं हिंदू हूँ, मुझे नहीं पता था। फिर क्या बोलते हैं मुझे बाद में पता लगा वो मोमडन है। फिर उसने क्या बोल उसने वो मुझे शादी करके मुझे ले गया। फिर अब बच्चा बच्चा होने के बाद उसने दूसरी शादी करी हिंदू लड़की से। मैं भी हिंदू थी पहले, मुझे मोमडन बनाया था और एक हिंदू से करिए तीसरी कर ली हिंदू से शादी। तीन तीन हिंदू। कहाँ का रहने वाला है ये लड़का? ये लड़का गजरौला का रहने वाला है, सुनपुरे कला का रहने वाला है। उसका नाम समीर है।